वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 की टीआरपी तो काफी ज्यादा आ रही है दोस्तों, और काफी ज्यादा शो को पसंद भी किया जा रहा है। और ऐसे में इंडियन आइडल सीजन 12 की रॉक स्टार जोड़ी यानी कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जो जोड़ी है उसे भी काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है दर्शकों के तरफ से, और साथ ही साथ दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं इनके पहले गाने तेरे बगैर को। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि पवनदीप राजन की मां ने भेजा है अरुणिता कांजीलाल, जो कि पवनदीप राजन की खास दोस्त हैं, उनके लिए खास तोहफा। जी हाँ, खास तोहफा भेजा है। अब ऐसा क्या भेजा है? खास तोहफे में पवनदीप राजन की मां ने अरुणिता कांजीलाल के लिए तोहफा कहें या फिर आशीर्वाद कहें या फिर हम कुछ भी कहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या भेजा है पवनदीप राजन की मां ने अरुणिता के लिए, और साथ ही साथ क्यों भेजा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में, और इस वजह से अरुणिता कांजीलाल शो में आगे बढ़ सकती हैं, शो को जीत भी सकती हैं। आइए अब सभी दर्शकों को बताते हैं ये बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की दोस्ती हर किसी को पता है दोस्तों, शुरू से ही ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, सच्चे दोस्त रहे हैं। यहां तक कि पवनदीप राजन जब बीमार पड़े थे, पवनदीप राजन को जब कोविड हुआ था, तब अरुणिता कांजीलाल ने ही पवनदीप राजन का ख्याल रखा था, और तब से ही पवनदीप राजन की मां और अरुणिता कांजीलाल के बीच में एक खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है आप सभी दर्शकों को, जहां पर पवनदीप राजन की मां हर एक इंटरव्यू में अरुणिता कांजीलाल की तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई देती हैं। और ऐसे में बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि फिनाले नज़दीक आने वाला है, फिनाले में अरुणिता कांजीलाल आगे जाए, इसीलिए उन्होंने पवनदीप राजन की मां ने भेजा है एक बहुत बढ़िया सा तोहफा अरुणिता कांजीलाल को, जिसे आप आशीर्वाद के रूप में भी देख सकते हैं। अब ऐसा क्या भेजा है पवनदीप राजन की मां ने अरुणिता के लिए? तो हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन पहाड़ों में रहते हैं, और वहां पर एक ऐसी मान्यता है कि पवनदीप राजन के घर के आस पास में ही एक मंदिर है, एक पुराना मंदिर है, जहां पर एक प्रथा जो है काफी प्रचलित है। उस मंदिर का नाम है माता का मंदिर, और साथ ही साथ वहां पर जो भी चुनरी ओढ़ता है और सच्चे मन से कोई भी मुराद को मांगता है और माता की चुनरी को ओढ़ता है, तो उसकी मुराद जो है वो पूरी हो जाती है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों ही शो को जीतना चाहते हैं, और ऐसे में पवनदीप राजन की मां ने उस माता के मंदिर गई, और साथ ही साथ माता के मंदिर जाकर वहां पर दो चुनरी जो है उन्होंने पार्सल के जरिए पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को भिजवाया, ताकि दोनों बच्चे जो हैं आगे बढ़ सकें। बड़ा आशीर्वाद दिया है पवनदीप राजन की मां ने अपने बच्चों को। आज के खास रिपोर्ट में बस।